हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जो कि मतलब आज कार को वो पैरेलल पार्किंग और बैक करके खड़ी गाड़ी में कैसे बैक करना है, लेफ्ट स्टेयरिंग घुमाएंगी तो कार का बैक साइड राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, ये डाउट रहता है नए लोगों के साथ। ये दो तीन डाउट रहते हैं, उनको लगता है कि स्टेयरिंग को हम लेफ्ट घुमाएंगे तो कार का हिस्सा राइट जाएगा और स्टेयरिंग राइट घुमाएंगे तो कार का हिस्सा लेफ्ट, पर ऐसा नहीं होता है। फ्रंट में अगर आप स्टेयरिंग राइट घुमाते हो तो कार का बोनेट राइट ही जाता है, लेफ्ट घुमाते हो तो लेफ्ट जाता है। तो इसी तरीके से बैक साइड का भी है। जैसे कि अभी आप इसको फर्स्ट गियर में करो, फर्स्ट गियर में करके स्टेयरिंग पूरा 90 डिग्री से राइट घुमा दो, 90 डिग्री से पूरा फुल, हाँ फुल घूम गया। अब आपका राइट वाला टायर जो है वो राइट साइड हो गया। अब अगर आप क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी का हिस्सा किधर जाएगा? राइट ही जाएगा। और अगर अब आपने राइट स्टेयरिंग घुमाया तो आप फ्रंट फर्स्ट गियर है तो थोड़ा सा गाड़ी फर्स्ट गियर में आगे बढ़ाओ, स्टॉप कर लो, गुड। अब आपको क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में एक डाउट होता है, वो डाउट आउट एकदम आज क्लियर हो जाएगा। आपने फर्स्ट गियर डाला, स्टीयरिंग घुमाया राइट, अब आप स्टीयरिंग को राइट ही रखो बट बैक गियर डालो, रिवर्स गियर डालो, हो गया। अब स्टीयरिंग आपका राइट ही कटा है, अब आप क्लच धीरे धीरे रिलीज करो और अपने राइट वाले ओ आरबीएम को चेक करो, अपने राइट वाले ओ आरबीएम को चेक करो, हाँ जाने दो पूरी, राइट वाले ओ आरबीएम को चेक करते रहना, गाड़ी को जाने दो। राइट घुमा के रखना पूरी राइट, क्यों सीधी कर रही हो? सीधी नहीं करनी है ना, 1% भी सीधी नहीं करनी स्टीयरिंग। स्टार्ट करो, हाँ पूरा फुल घुमा के रखो, बैक में ही जाने दो, स्टार्ट करो वापस। बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जिस गियर में गाड़ी बंद हो जाए उसी गियर में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बैक गियर में हो तो बैक में ही स्टार्ट कर लो, बहुत प्यार से एकदम इक्वल प्रेशर से क्लच को रिलीज करना, झटके से नहीं। अब ये स्टीयरिंग दोस्तों 90 डिग्री से टर्न है, 1.5 राउंड, डेढ़ राउंड जिसको बोलते हैं, डेढ़ राउंड में आपका 90 डिग्री से स्टीयरिंग टर्न हो जाता है। हाँ जाने दो, जाने दो फुल, कटी रहने दो और जाने दो और जाने दो और जाओ और स्टॉप। अब अपने लेफ्ट वाले, नहीं सीधा नहीं करना, अपने लेफ्ट वाले ओ आरबीएम को चेक करो, आप क्या स्पेस लग रहा है, थोड़ा सा और आने दो, थोड़ा और आने दो बैक में और स्टॉप, बस। अब देखो सिचुएशन क्या है, आपने कितना स्टीयरिंग घुमा रखा है राइट, 90 डिग्री। अब ये गाड़ी राइट घूम गई रिवर्स में, अब इसको आप फ्रंट में फर्स्ट गियर में वापस जिस कंडीशन में स्टीयरिंग है उसी कंडीशन में लेके आओ, अब लेके आओ जिस कंडीशन से धीरे धीरे लेके गई थी उसी कंडीशन में, पूरा 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 आने दो, फुल आने दो, फुल आने दो और आने दो और आने दो और बढ़ाओ और जाने दो, स्टॉप, बस। अब रुक जाओ यहीं पे, कुछ मत करना, अभी आपको क्लियर हो गया। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होता है, तो फ्रंट में स्टीयरिंग अगर राइट घूमा है फर्स्ट गियर में तो राइट जाएगी, रिवर्स गियर में भी राइट, तो अब आपको क्या करना, आप 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दो लेफ्ट पूरा खड़ी गाड़ी पे, डेढ़ राउंड तो पहले आपका सीधा हुआ, डेढ़ राउंड अपोजिट, जैसे आपने डेढ़ राइट घुमाया था तो इसमें 3 राउंड घुमाना पड़ेगा, है ना, डेढ़ इधर का डेढ़ उधर का। अब आप बैक गियर डालो, हो गया बैक गियर हो गया। अब आप धीरे धीरे अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करो, धीरे धीरे जाने दो गाड़ी को, आज आपके एकदम डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर चाहे आप कहीं भी गाड़ी ले जाओ, बहुत ही लाइटली एकदम बहुत बारीक से, हाँ जाने दो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे जाने दो, जाने दो, जाने दो, चलो चलो, स्टीयरिंग पूरी टर्न करके रखो, स्टीयरिंग नहीं सीधा करना है, हाँ जाने दो, जाओ जाओ जाओ, रुक जाओ एक सेकंड रुको, हाँ चलो स्पेस बहुत है, बहुत स्पेस है, चलो नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, चलो 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 चलो, गुड 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 गुड, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, मैं बताता हूँ दिक्कत था, चलने दो पूरी फुल, जाओ जहाँ जा सकते हो और जाओ, स्टॉप। अब अपने राइट वाले आरबीएम को चेक करो, राइट वाले को जाने दो, रोकना नहीं, धीरे 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 चलने दो,
देखते देखते, यही तो जजमेंट लेना है। और बस अब देखो, अब अगर गाड़ी लेके जाओगे तो गाड़ी आपकी टकरा जाएगी, तो वो चीज यहाँ पे दिख रही है ना। अगर आप इस प्रोफाइल को देखोगे तो आपको गाड़ी के डिग्गी से करीब करीब 2 से 2.5 मीटर का पीछे का दिखता है, क्लियर दिख जाता है, ठीक है। ये चीज हमें अब इसको फर्स्ट गियर में करके वापस लेके जाओ जिस कंडीशन में आप आई हो। स्टीयरिंग को जरा सा भी ढीला नहीं करना है जिस कंडीशन में है। बहुत बारीकी से जाना है। हाँ जाने दो, जाओ 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 पूरी फुल। आने दो आने दो आने दो, और आने दो, और आओ और आओ और आओ, स्टॉप। बस अब फिर बैक गियर डालो। बैक गियर डाल दिया, रोक लो गाड़ी, रोक लो वहीं पे। अब पूरी 90 डिग्री से राइट घुमा दो स्टीयरिंग, खड़ी गाड़ी फटाफट घूम गया पूरा 90 डिग्री से आपने राइट घुमाया तो टायर आपका खुल गया लेफ्ट की तरीके से। अब धीरे से रिवर्स गियर में आप जाओ वापस। स्टीयरिंग का ध्यान रखना कि स्टीयरिंग आपने किधर टर्न करी है, बहुत लाइटली। जाने दो धीरे धीरे, और जाने दो। अपने दोनों साइड के मिरर चेक करो, लेफ्ट भी और राइट भी। अब आपको ज्यादा देखना है लेफ्ट वाला, क्योंकि खतरा लेफ्ट से है, राइट में स्पेस ज्यादा है, गाड़ी टेढ़ी है। जाने दो धीरे धीरे, अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को देखोगे तो आपको दिख जाएगा। बस अब देखो ये चीज, आपको ये वॉल दिख रही होगी ना लेफ्ट वाले आरबीएम में। बस अब आपको करना क्या है, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी ना कि अगर हम लेफ्ट घुमाएंगे स्टीयरिंग पूरा तो गाड़ी किधर जाएगी। कुछ डाउट क्लियर हुए हुए ना। अब आपको क्या करना है, इसको करो फर्स्ट गियर में और गाड़ी करो सीधी। अब लेफ्ट घुमा लो स्टीयरिंग पूरा, गाड़ी सीधी करनी इस रोड पे जैसे आप बैक कर रही थी फर्स्ट टाइम। हाँ चलो तो बताता हूँ, आगे जाओ। हाँ और जाने दो, और जाओ। अब स्टॉप करो, अब बैक गियर में एकदम सीधी सीधी गाड़ी लाना, स्टीयरिंग को जरा भी लेफ्ट राइट मत करना। जिस कंडीशन में स्टीयरिंग है आपका एकदम सीधा नाक के सेंटर में, अब आपको हल्का सा स्टीयरिंग राइट घुमाना है क्योंकि हल्का सा, थोड़ी गाड़ी टेढ़ी है। हाँ जाने दो बैक में, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 डिग्री स्टीयरिंग घूमेगा। अब सीधा कर लो स्टीयरिंग एकदम सीधा, बस एकदम सीधा जाना है। अपने लेफ्ट और राइट वाले आरबीएम को चेक करते रहो और दोनों साइड देखते रहो, दोनों साइड का अंदाजा आपको मिलता रहेगा। जितना आप पीछे जाना चाहो उतना आप जा सकते हो। स्टॉप करो। अब देखो जब आपने फर्स्ट टाइम बैक किया था तो गाड़ी आपकी लहरा गई थी, लहराई थी ना, अब नहीं लहरा रही क्योंकि स्टीयरिंग का अब आपको इतना आइडिया हो गया। क्योंकि रिवर्स में स्पीड नहीं होनी चाहिए, जितना स्लोली स्लोली आप रिवर्स करोगे उतना ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा, उतना मौका मिलेगा। अब आपको एक नई चीज़ मैं सिखाऊंगा अभी, जैसे कि ये दो लाइनें रेड वाली दिख रही हैं, तो इन दो लाइनों के बीच में अगर कार को पार्किंग करना है, समझ लो मॉल की पार्किंग है, तो हमें करना है क्या, हमें स्पेस मेंटेन करना है, डिग्गी की जो चौड़ाई है उतना एक्स्ट्रा लेना। गाड़ी अब थोड़ा आगे लेके जाओ फिर बताता हूँ मैं। सीधा सीधी रखो जिस कंडीशन में हो, अब स्टॉप करो बस। अब आपको 90 डिग्री से स्टीयरिंग को टर्न कर देना पूरा खड़ी गाड़ी पे। अब बैक गियर डालो, उन दोनों रेड लाइन के बीच में लगाना है इसको, वाइट वाले एरिया पे बैक में जाना है। बहुत लाइट, दोनों लेफ्ट और राइट वाले आरबीएम चेक करते रहना ताकि आपको ये भी दिखे ना कि आपके अगल बगल कोई आ रहा है जा रहा है। हाँ फुल कटी रहने दो, फुल फुल कटी रहने दो, फुल फुल कटी रहने दो, स्टॉप। बस अब टायर सीधा करो, अब बैक में आ जाओ।
और जाओ, बस इतना स्पेस हमेशा पीछे रखना चाहिए, है ना, अलाइन हो गया, दिख गया। अब देखो आपकी, हाँ, अब आपका जो टायर है वो रेड वाली लाइन पे नहीं है। अगर ये स्पेस आप वहां से नहीं करती, अगर यहां करती तो उधर गाड़ी निकल जाती। तो इस डिग्गी की, जैसे मान लो सपोज करो आप इनोवा बैक कर रहे हो, तो इनोवा की जो चौड़ाई है वो लगभग 7 फीट के आसपास है। तो आप जिस भी पिलर से, जिस भी बॉर्डर लाइन से आप उसको बैक करना चाह रहे हो, उससे 7 फीट गाड़ी आगे ले जाओ। अपनी डिग्गी से 7 फीट एक्स्ट्रा जगह ले लो पीछे, ताकि जब आप टर्न करोगे ना, तो अब देखो आपने टर्न यहां से करी थी, गाड़ी आपकी यहां पे थी, पिछले जो टायर थे वो यहां थे अप्रॉक्स, हाँ यहाँ पे, तो और ये गई वहाँ पे। तो गाड़ी की जो हाइट है, लंबाई, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है। गाड़ी टर्न हो गई, अब एक बार और निकालो गाड़ी, अब एक बार और निकालो और आगे लेके जाओ, थोड़ा एक बार और लगाना है इसी मिला के, अब उसी लाइन में लगाना है जहां पे लगाई थी। पहले सीधा सीधा आओ, और आने दो, बस अब 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दो, बस। अब देखो जो आपके राइट वाले टायर है वो रेड वाली लाइन पे है पूरे, लेकिन इससे पहले जो लगी थी तो गाड़ी थोड़ी उधर दबके लगी थी बॉर्डर लाइन, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी ज्यादा आगे निकल गई थी। ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे ही बॉर्डर लाइन होती है, जैसे इधर उधर जो फुटपाथ होते हैं ना, ये सेंटर पे बीच में नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई कि गाड़ी थोड़ी ज्यादा आगे चली गई थी, थोड़ा सा ज्यादा मतलब 2 फीट के अप्रॉक्स आगे चली गई थी। और थोड़ा सा मान के चलो अगर आप और पीछे होते तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। अब गाड़ी राइट टर्न करो, थोड़ा सा राइट लेके जाओ, फिर रिवर्स में लेके आओ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इस तरीके की पार्किंग में अगर गाड़ी को लगाना और सीखना आपको है तो आप इस तरीके की वीडियोज़ देख सकते। जय हिंद, वंदे मातरम।